वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। 82 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। लंबे समय से अजीज कुरैशी बीमार चल रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कई दिनों से अपोलो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था और कई दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद आज उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में ये अंतिम सांस ली। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपोलो अस्पताल पहुंच गए हैं, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना भी व्यक्त की गई है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हुआ है और सभी कांग्रेसी कई पदाधिकारी इस वक्त अपोलो अस्पताल पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अजीज कुरैशी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लंबे समय से वो काम कर रहे थे, लेकिन आज 82 साल की उम्र में उन्होंने ये अपनी अंतिम सांस ली है। उनको कई दिनों पहले अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो तीन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार वो बड़े काम करते हुए नजर आए हैं और आज उन्होंने अपोलो अस्पताल में ही अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के हित के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए हैं और आज 82 साल की उम्र में उन्होंने अपोलो अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। साथ ही आपको बता दें कि बीते लंबे समय से उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसके चलते उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। कांग्रेस के लिए ये बहुत दुख देने वाली बात है और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी इस वक्त अपोलो अस्पताल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों तबीयत नासाज होने के चलते अजीज कुरैशी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज लगातार जारी था, जिसके बाद आज 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम जानकारी है, जहां लगातार पदाधिकारी अपोलो अस्पताल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अजीज कुरैशी के कार्यों की बात करें तो उन्होंने तीन राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अपने राजनीतिक सफर में वो लंबे काम करते आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज ये कांग्रेस वासियों के लिए बहुत ही दुख वाली बात है और लगातार कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अजीज कुरैशी से अंतिम दर्शन करने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंच रहे हैं। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अजीज कुरैशी लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें अपोलो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। वो तीन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी लगातार देश के हित के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं अगर बात करें तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर उन्हें बीते दिनों अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से लगातार उनका इलाज जारी है और आज लगभग 82 साल की उम्र में अजीज कुरैशी ने अपनी अंतिम सांस ली। साथ ही अजीज कुरैशी के कार्यकाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल वो रहे हैं।